ये जो नकीब का केस है, आई थिंक इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट केस. इट इज़ रियासत ने एक आदमी के खिलाफ केस किया है. इट इज़ स्टेट वर्सेस राव अनवार. तो मैं सिर्फ उस कहानी को दोहरा रही थी और मैं सिर्फ ये बता रही थी कि हमें इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते. आपके काम पे जिस तरह का बैकलैश आया, क्या आप उसकी तवक्को कर रही थी? मेरे ख्याल से मुझे ये था कि शायद मीडिया इसमें इंटरेस्टेड होगा और इसमें शायद क्योंकि मीडिया इतनी ज़्यादा इसकी कवरेज दे रहा था तो शायद उनको क्योंकि समझ है और नकीब एक मॉडल था और यंग 27 ईयर ओल्ड लड़का था तो अगर किसी कोई आया तो शायद मीडिया के अंदर इसकी कवरेज आ जाए. बट मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि 2 घंटे में ही उसको बंद करवा दिया जाएगा. जब आपने ये इंस्टॉलेशन लगाई थी तो इंतज़ामिया का क्या कहना था? क्या ये आइडिया पहले से अप्रूव था? कैसी इंतज़ामिया है जिसको यही नहीं मालूम है कि उसका आर्टिस्ट कर क्या रहा है, या उनका एक आर्टिस्ट एक साइट के ऊपर 5-6 दिन से काम कर रहा है और उनको यही नहीं मालूम है कि वो क्या काम कर रहा है. उनकी जूरी आके उस आर्टिस्ट का काम देख रही है, वहाँ वक्त गुजार रही है, राइट, और उनको यही नहीं मालूम कि आर्टिस्ट काम क्या कर रहा है. मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि बैनाले ए पॉलिटिकल हो तो मेरे ख्याल से कोई आर्ट दुनिया में पॉलिटिक्स के बगैर नहीं हो सकता. कोई चीज़ आप बैनाले कर रहे हैं, आप पब्लिक स्पेस की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी ए पॉलिटिकल काम हो. हर काम जो बैनाले में लगा हुआ है उसका पॉलिटिक्स से ताल्लुक है. और सरकारी अहलकारों की तरफ से जो रद्दअमल सामने आया उस पर क्या आपका कहना है? मेरे ख़्याल से जिनको ख़तरा है वही शायद आए थे बंद करने के लिए. मेरे ख़्याल से मैं तो इमोशंस की बात कर रही थी. मेरे ख़्याल से उनको लोगों की सोच बदलने से ख़तरा है. वो एक मखसूस तरीके से लोगों को सोचने पे मजबूर करना चाहते हैं और मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी. मैं ना अगेंस्ट थी ना मैं फॉर थी, मैं एक कहानी बता रही थी. पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ इतना जुल्म है, जबर है, इतनी सेंसरशिप है, आपके ख़्याल में एक फ़नकार वहाँ कैसे अपने फ़न का इजहार कर सकता है? तो ना आप सोच पे ताले लगवाना चाहते हैं तो अगर आप आर्टिस्ट को भी यूँ मना करेंगे तो आप सोच पे ताला लगा रहे हैं. किसी ने कहा कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज उजागर होना चाहिए. मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज ये था कि मैं अपनी बात आज़ादी से कह सकूँ, रियासत मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, मैं एज़ अ वुमन आर्टिस्ट अपनी बात खुली जो कहना चाहती हूँ विदाउट एनी सेंसरशिप मैं कह सकूँ इन पब्लिक डोमेन. हालिया वाक़यात के बाद एक ख़्याल है कि पाकिस्तान में फ़न को आम लोगों तक पहुँचाने की जो कोशिशें हैं उसको नुकसान पहुँचेगा, उसको ज़िक पहुँचेगी, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि किस किस्म का ख़तरा है. मेरे ख़्याल से तो और आर्ट के बारे में लोग सवाल कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से और आर्ट को देखने के लिए जा रहे हैं, मेरे ख़्याल से उनको और बैनाले के बारे में पता चला है तो वो बैनाले की साइट्स पर जा रहे हैं और बाकी कामों को भी देख रहे हैं. तो मेरे ख़्याल से तो उल्टा असर हुआ है. आर्ट के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो फिर वो आर्ट नहीं है. वो आप एक डेकोरेशन पीस लगा दीजिए और आप एक बिल्कुल लोगों को बता दें कि जी आप ये बना कर लाएंगे तो आपका काम लगेगा वरना आपका काम नहीं लगेगा. कराची बैनाले में आपके फ़न पारों के साथ जो हुआ उसके बाद बतौर आर्टिस्ट आपका क्या रद्द अमल होगा? मेरा रद्द अमल मैं वन डे एट अ टाइम लिख रही हूँ. एक दिन काम बंद कर दिया गया, दूसरे दिन तोड़ दिया गया, तीसरे दिन उसको वहाँ से उठा लिया गया. मुझे नहीं मालूम कि कल क्या होगा और वो किस हद तक जाएंगे. मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है. मुझे नहीं मालूम कि लोग किस तरह से, मैं बहुत ममनून और मशहूर हूँ अपने सारे साथियों के, सारे आर्टिस्टों के, एक्टिविस्ट के, जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने बात समझी, जिन्होंने ये समझा कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ. तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ आके वो खड़े हुए सॉलिडैरिटी के अंदर. लेकिन एज़ एन आर्टिस्ट आई थिंक मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि आर्टिस्ट के पास कितनी पावर है, कि कोई है जो 2 घंटे में घबरा गया, 14 दिनों का ये इवेंट है और वो 2 घंटों में घबरा गया. तो ये तो आर्ट की पावर है. ये तो सारे आर्टिस्टों को ये समझना चाहिए कि ये तो उनकी जीत है कि उनके आर्ट में इतनी पावर है कि किसी को 2 घंटे में हिला दिया.